हेलो गाइस, आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। क्या आप एक डिसेबल पर्सन हैं या आपके रिलेटिव या फैमिली में कोई डिसेबल है और वो यूडीआईडी कार्ड बनवाना चाहता है और वो जानना चाहता है यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है और किस प्रकार से इसे डाउनलोड किया जाता है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी ख़ास होने वाला है गाइस। अगर आप भी यूडीआईडी कार्ड बनवाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है गाइस। इसमें मैं A to Z प्रक्रिया बताने वाला हूँ, यूडीआईडी कार्ड कैसे अप्लाई किया जाता है, किस प्रकार से बनता है और कैसे डाउनलोड किया जाता है। मैं अप्लाई से लेकर डाउनलोड तक पूरी A to Z प्रक्रिया बताने वाला हूँ। अब बात आती है यूडीआईडी कार्ड क्यों बनवाना चाहिए, तो गाइस आप इस प्रेस रिलीज़ को देखिए, इसे PIB ने जारी किया था जिसमें लिखा है मैंडेटरी ऑनलाइन सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी थ्रू यूडीआईडी पोर्टल 1 जून 2021 से कंपलसरी हो गया था। इसमें ये कहा गया है कि 1 जून 2021 से चाहे स्टेट हो या चाहे यूनियन टेरिटरी हो, सभी जगह ऑनलाइन एक ही पोर्टल से यूडीआईडी कार्ड जारी किए जाएंगे। तो आपके पास जो पुराना सर्टिफिकेट होता था उसका अब सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम या स्टेट गवर्नमेंट की स्कीम में ज़्यादा वैल्यू नहीं दिया जाएगा गाइस। आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना कंपलसरी है। आप सरकार की कोई योजना स्कीम में लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास यूडीआईडी कार्ड होना ही चाहिए गाइस। तो आपके पास भी यूडीआईडी कार्ड नहीं है तो आज हम जानेंगे यूडीआईडी कार्ड किस प्रकार से अप्लाई किया जाता है और किस प्रकार से डाउनलोड किया जाता है। बस आप वीडियो को पूरी ज़रूर देखिएगा, हम इसमें A to Z प्रक्रिया डेमो के साथ लाइव करके दिखाने वाले हैं, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। तो चलिए सीधा क्रोम ब्राउज़ पे चलते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। तो यहाँ टाइप करेंगे UDID और एंटर करेंगे तो ये वेबसाइट आ जाएगा गाइस। इस पर क्लिक करेंगे तो स्वावलंबन के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं स्वावलंबन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की। अब यहाँ से हम अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे। सर्टिफिकेट है तो आप ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, और अगर आपके पास UDID सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किए थे और वो रिजेक्ट हो गया है तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर आपके पास UDID सर्टिफिकेट बन चुका है या UDID कार्ड बन चुका है लेकिन आप दोबारा से UDID कार्ड बनवा रहे हैं तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, जिसमें से आपको 3 रीज़न में से एक रीज़न देना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं जिसके पास कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है, तो हम फर्स्ट ऑप्शन चूज़ करेंगे, उसके बाद क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा आपका। तो यहाँ से पर्सनल डिटेल में गाइस आपको पर्सनल डिटेल देना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एप्लीकेंट का नेम आ जाएगा जो UDID कार्ड बनवाना चाहता है, तो यहाँ पर उसका नाम टाइप कर लेंगे। यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा उसका नाम, अगर नाम सही है तो ठीक है, वरना यहाँ से आप क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ से उसका एप्लीकेंट का फादर नेम चूज़ कर लेंगे, यहाँ से उसका मदर नेम चूज़ कर लेंगे, यहाँ उसका मोबाइल नंबर टाइप कर देंगे, यहाँ से अगर कोई ईमेल है तो जो भी ईमेल है आप यहाँ से टाइप कर देंगे, मैंडेटरी नहीं है लेकिन ईमेल आईडी दे देना चाहिए। यहाँ से उसका डेट ऑफ बर्थ चूज़ करेंगे, यहाँ से उसका कैटेगरी क्या है, जनरल है, OBC, SC, ST जो भी है यहाँ से एक चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे जेंडर चूज़ करेंगे, मेल फीमेल जो भी ट्रांसजेंडर जो भी है चूज़ कर लेंगे। यहाँ से ब्लड ग्रुप चूज़ करेंगे, उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ये कंपलसरी नहीं है तो दे देना चाहिए, जो भी ब्लड ग्रुप है यहाँ से चूज़ कर लेंगे। यहाँ से रिलेशन विद पर्सन, जो भी रिलेशन है, फादर मदर हस्बैंड जो भी है यहाँ से एक चूज़ कर लेंगे। यहाँ से फादर का जो भी आप रिलेशन पर्सन का रिलेशन दिए उनका कॉन्टेक्ट नंबर दे देंगे यहाँ से। फ़ोटो है, फ़ोटो का यहाँ पे चूज़ करेंगे। फ़ोटो गाइज यहाँ से मैक्सिमम 100 KB और मिनिमम 5 KB होना चाहिए, 5 KB से नीचे नहीं चलेगा और 100 KB से ऊपर नहीं अपलोड होगा इस पर। इसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर है, सिग्नेचर का जो JPG और PNG इमेज में होना चाहिए, यहाँ से सिग्नेचर चूज़ करेंगे। उसके बाद ऑप्शनल डिटेल जो है इसमें, एनुअल इनकम क्या है एप्लीकेंट का, जो भी एनुअल इनकम है यहाँ से चूज़ कर लेंगे।
उसका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है यहाँ से चूज़ कर लेंगे। एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड यहाँ से चूज़ कर लेंगे। उसके बाद आइडेंटिटी ऑफ प्रूफ, प्रूफ आइडेंटिटी प्रूफ है वो यहाँ से चूज़ करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा है, उसमें से जो भी आप एक देना चाहते हैं उसमें से एक चूज़ कर लेंगे। आधार कार्ड चूज़ कर लिए, यहाँ से आधार कार्ड की फ़ोटो अपलोड करेंगे। जो आधार कार्ड की फ़ाइल है JPG, PNG, PDF टाइप में होना चाहिए उसका फॉर्मेट, और 10 KB से 500 KB अलाउड है। यहाँ से चूज़ करेंगे, यहाँ से क्लिक करके आप देख सकते हैं। इसके बाद उसका आधार नंबर टाइप करेंगे, और यहाँ से आई एग्री टू शेयर आधार इन्फॉर्मेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट क्लिक कर देंगे। यहाँ से एड्रेस फॉर कॉरेस्पोंडेंस, जो भी आपका एड्रेस के लिए आप डॉक्यूमेंट दे रहे हैं यहाँ से एक चूज़ करेंगे। एड्रेस प्रूफ के लिए हम आधार कार्ड ही दे रहे हैं, यहाँ से चूज़ करेंगे उसका फाइल। यहाँ पे अपना एड्रेस टाइप करेंगे, यहाँ से स्टेट चूज़ करेंगे, जो भी आपका स्टेट है यहाँ से डिस्ट्रिक्ट, यहाँ से सब डिस्ट्रिक्ट, जो भी आपका ब्लॉक होता है उसको चूज़ करेंगे। आपका ब्लॉक चूज़ करने के बाद विलेज चूज़ करना होगा, इसमें आपका विलेज आ जाएगा। जो भी आपका अगर शहर है तो शहर में जो भी स्थान होगा यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से पिन कोड इसमें से एक होगा वो चूज़ कर लेंगे। यहाँ पे डिसेबिलिटी डिटेल देना पड़ेगा गाइस, इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटीज प्लीज़ चूज टू और मोर आउट ऑफ द 20 डिसेबिलिटीज। टोटल 21 टाइप की डिसेबिलिटी है, उसमें से आपको अगर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ है तो उसमें से आप दो और दो से भी ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम चूज़ करेंगे, तो जो आपकी डिसेबिलिटी है वो चूज़ कर लेंगे यहाँ से। और यहाँ से डिसेबिलिटी किस कारण से हुआ है ये चूज़ करेंगे, जो भी आपकी सूटेबल हो वो यहाँ से चूज़ कर लेंगे। डिसेबिलिटी कब से है, बाय बर्थ है तो यस करेंगे, अगर बर्थ के बाद हुआ है तो नो करेंगे। यहाँ से फिर उसके एक डेट चूज़ कर लेना है जब भी डिसेबिलिटी हुआ है। अब यहाँ पर हॉस्पिटल फॉर असेसमेंट इशू फॉर UDID कार्ड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, तो यहाँ से उस अस्पताल का नाम चूज़ करना है जहाँ से आपका डिसेबिलिटी कार्ड बनेगा या जारी किया जाएगा। तो यहाँ पे दो कंडीशन आता है, जो आपका होम डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से आप बनवा सकते हैं, नहीं तो आपका जिस अस्पताल में ट्रीटमेंट चल रहा है अदर स्टेट वहाँ से भी चूज़ करके बनवा सकते हैं। तो जिसका ट्रीटिंग हॉस्पिटल इन अदर स्टेट नो है तो नो रहने देंगे, जिसका अगर कोई अदर स्टेट जैसे बिहार का है दिल्ली में हो रहा है उसका ट्रीटमेंट तो यस चूज़ करेगा। यहाँ से फिर उसका स्टेट चूज़ करेगा, उसका जहाँ पे अस्पताल है उसका डिस्ट्रिक्ट चूज़ करेंगे, और फिर यहाँ से उस अस्पताल का नाम चूज़ करना है। तो उस अस्पताल का नाम आ जाएगा, जो इसमें अस्पताल लिस्टेड होगा उसका नाम ही आएगा गाइस। तो जिस भी अस्पताल में आप करवा रहे हैं आप देख लीजिएगा, वैसे आ जाएगा, सारे अस्पताल रजिस्टर्ड होते हैं। तो यहाँ से कैप्चा फिल करेंगे, और यहाँ पर एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है को टिक करेंगे। यहाँ पे सारी डिटेल एक बार ही चेक करने के बाद टिक करना है, ऐसे नहीं टिक करना है क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। आप एक बार सारी डिटेल चेक कर लेंगे अपना, उसके बाद यहाँ से नीचे आने के बाद इसको टिक करेंगे, जिसमें दिया हुआ है कि सारे जो भी हमने फिल किया वो मेरे अनुसार सही है। उसके बाद यहाँ पर आके फाइनल सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद जो रिसिप्ट होगा वो प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करके रख लेंगे अपने पास, उसमें इनरोलमेंट नंबर होगा, और अस्पताल से जिस भी अस्पताल में चूज़ किया आप वहाँ से कॉल आएगा। अगर एक महीने तक कॉल नहीं आता है तो आप उस अस्पताल में जाके पता कर सकते हैं, वेटिंग लिस्ट ज़्यादा होगा जो भी होगा, आप पता करने के बाद वहाँ से एक डेट ले सकते हैं। अगर एक महीने तक कॉल नहीं आता तो आपको अस्पताल जाके पता करना पड़ेगा गाइस। तो चलिए, ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएँ। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में।